الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بقضائه وتسليما لأمره امام زمانہ ہوئے میں جب حسین پر ہریا کرتا ہوں تو خون کے آنسو ہوتا ہے شام غریب آ گئی غریبوں کی شام یتیم بچوں کی شام نبی کی خواتین کی بے ودائی کی شام ان سیدانیوں کی شام جن کے سر سے ودا چھین لی گئی بے کفن لاش ننھے علی اصغر کے قربان ہونے عزاداروں جب مولا حسین سجدہ آخر میں یہ جملہ کہتے رضاً بقضائہ وتسلیماً لأمرہ ایک مرتبہ ذوالجناح جو مولا سے بہت مانوس تھا سر کو جھکا لیتا ہے زمین کربلا سے کی خاک سے اپنے چہرے کو خاک آلود کرتا ہے مولا حسین کے نزدیک آتا ہے مولا حسین کے بدن پر موجود خون سے اپنے چہرے کو خون آلود کر کے خیام حسینی کی طرف دوڑتا ہے بس جب یہ گھوڑا مختلف صدائیں اور آوازیں لگاتا ہوا خیام حسینی کی طرف آتا ہے نا ایک بیوی ایک بچی سے کہتی ہے بیٹا سکینہ جاؤ یہ ذوالجناح کی آواز ہے شاید تیرا بابا تیرے لیے پانی جناب سکینہ خیمے سے باہر نکلتی ہے ذوالجناح کو دیکھتی ہے ایک جملہ کہتی ہے اے ذوالجناح اتیت انت
आईना वाकिबुका ऐ जुलजला तू तन्हाया है तेरा सवार कहाँ है। जुलजना सर को झुका लेता है, बीबी खेमों की तरफ पलटती है, कहती है ऐ सैयदानी ये जुलजना अपने चेहरे पर खून मल के आया है, मेरा बाबा शहीद हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए मैं मख्तल की तरफ जाऊँ। ये सदा ही दी थी एक दफ़ा शकी की आवाज़ बुलंद होती है, ख़याम हुसैनी को आग लगा दो, बस आग लगाई जाती है, आतिश ख़याम हुसैनी तक पहुंचती है, ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास आती है और कहती है बेटा सज्जाद आप मुझे बताइए हम खेमों में जलकर मर जाए। सैयद सज्जाद इजाज़त देते हैं, बीबियां जान बचाते हुए जलने से बचते हुए खेमों से बाहर निकलती हैं, देखती हैं सारी बीबियां मौजूद हैं, एक छोटी बच्ची कहीं नज़र नहीं आती। बहन उम्मे कुलसूम से कहती है ऐ उम्मे कुलसूम आओ ढूंढे सकीना को, सकीना कहाँ है। अज़ादारों बस ज़ैनब उम्मे कुलसूम मख्तल की तरफ जाती है, देखती है एक लाशा पड़ा है जो सुर्ख लिबास से मुज़य्यन है। ज़ैनब सोचती है कि मैंने हुसैन को तो दो लिबास दिए थे, एक वो लिबास था जो मौला हुसैन खुद अपनी मर्जी से ज़ेब तन करके गए थे, एक वो लिबास था जो सफ़ेद लिबास था, बेहतरीन और महंगा लिबास था, लेकिन कोई ऐसा लिबास तो ना था जिसका रंग सुर्ख हो। बस ज़ैनब नज़दीक आती है, एक मर्तबा जुमला कहती है या बता या रसूल अल्लाह क्या आपकी उम्मत इतनी शकी हो गई कि आपके नवासे को कफन तो ना दिया लिबास भी छीन लिया। एक दफा नजर आता है इस लाशे के किनारे पर सकीना बैठी है, ज़ैनब कहती है ऐ सकीना यहाँ तन्हा बैठी हो। सकीना कहती है नहीं मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बाबा मौजूद है। बाबा के बगल में अपने हाथों को डालती है, गिरिया करती है, बईद नहीं ये कहना चाहती हो बाबा हमेशा आप मेरे बगल में हाथ डाल कर मुझे सुलाते थे, आज मैं अश्किया ऐलान करते हैं मालो मनाले अहले बैत को लूट लो, खयाम हुसैनी पर हमला होता है, एक एक करके माल को जमा किया जाता है, लूटा जाता है, ये लूटा हुआ काफला तने तनहा सैयद सज्जाद संभाल रहा है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद देखते हैं एक शकी आगे बढ़ता है, एक बीबी जो कमसिन है उसके पास जाता है और नोके नेजा से उसे धक्का देना चाहता है। सैयद सज्जाद कहते हैं क्या तेरी ये जुर्रत कि तू अहले बैत की ख्वातीन पर ये सितम करे। अभी सैयद सज्जाद जाना ही चाहते थे कि सकीना की आवाज आती है ऐ सैयद सज्जाद मुझे बचाइए, एक शकी आता है मुझे तमाचे लगाता है, खोती व खोती
होती वकोती मेरी बालियों को छीनता है, गोशवारे को निकालता है, तमाचा मारता है। या बता खुजीनी ए मेरे बाबा, मुझे पना दीजिए। सैयद सज्जाद इस तरफ पलटना चाहते, देखते हैं दूसरी तरफ एक और शकी है जो जैनब की चादर छीनना चाहता है। जैनब चादर को संभालती है, कस के चादर को पकड़ लेती है, शकी को इजाजत नहीं देती कि वो विदा को छीन सके। शकी आगे बढ़कर एक कोड़ा जैनब के चेहरे पर लगता है। जैनब कहती है या रसूल अल्लाह, आप देखिए आपके बाद उम्मत ने हम पर क्या मजालिम ढाए। बस जैनब भी, सकीना भी, उम्मे कुलसूम भी तमाम बच्चों को जमा करती है और ऐलान किया जाता है जो जो प्यासा आ जाए उसे पानी दिया जाएगा। जैनब बच्चों से कहती है, ए बच्चों आओ, सुबह आशूर से किसी को पानी ना मिला, आओ बच्चों आओ, पानी आ गया। बस जैनब एक कूजे में पानी भर के सकीना को देती है। सकीना कहती है, माँ मैं क्या करूँ, मुझे बाबा ने सिखाया था जब पानी पिया जाए ना तो पहले देखना कि पहले छोटे को पानी पिलाया जाता है। भागती है, दौड़ती भी कहती है, ए अली असगर पानी आ गया। सकीना दौड़ती हुई मक्तल की तरफ जाती है, पानी लेकर असगर को ढूंढती है। असगर तो ना मिला, बाबा के सीने पर सर रख देती है। एक शकी ऐलान करता है, काफिला रवाना हो, काफिला तैयार हो। जब सारे काफिले को जमा कर दिया जाता है, जैनब देखती है कर्बला में जो यजीदी मलऊन थे उन्हें तो उनके कबीले वालों ने दफन कर दिया है, लेकिन रसूल की औलाद बेगोरो कफन तिशना आलम में कर्बला की गर्म रेत पर मौजूद है। काफिला तैयार होता है, तमाम बीबियां जमा होती हैं, सकीना नजर नहीं आती, दोबारा गुम हो जाती है। जैनब बोलती है कि जाओ सकीना को लेकर आओ। बस जब ढूंढा जाता है, सकीना नहीं मिलती, एक कटेसर की लाश के पास सकीना गश के आलम में मौजूद है। शकी आता है, कहता है, ए वसूल की औलाद, क्या तुम आमादा नहीं हो कि इस जंगल को छोड़कर चली जाओ। सकी होश में आती है, कहती है, ए शकी तू मुझे यहीं छोड़कर चले जा, मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मैं यहीं मर जाऊं बेहतर है यजीदियों के साथ जाने से। सिपाही यजीद का एक शख्स नेजे को सकीना की कमर पे मारता है, सकीना गिर जाती है। रियाजुल एहसान के जुमले कहती है, सकीना कहती है, ए अल्लाह के रसूल मैं आपको ये कहती हूँ कि आप खुदा से शिकायत कीजिएगा, इस उम्मत ने क्या किया। मैं कहूँगा, सकीना ये पहली दफा नहीं हुआ है, रसूल की वफात के बाद एक बीबी थी, जालिम का घोड़ा था, पहलू पर हाथ था, और ये जुमले थे, वाह मुहसिन। अला लानतुल्लाहि अलैहि।
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ تَرَوْا عَيْجَرًا.